Good morning, students. Again, we are here to talk about our next topic according to tissues. Okay, we have already discussed about tissues. That means normally जो इसके types हैं हमारे पास में, जैसे इससे generally इससे पहले जो हमने discuss किया था उसके अंदर हमने simple tissues को discuss कर लिया था. Okay, just like first is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These types have already discussed. Okay, now today we are talking about the next topic, that is complex permanent tissues. Clear? Permanent का meaning हम already discuss कर चुके हैं. That means the tissues which have or या फिर ये कहना चाहिए which are losing their power to divide. क्लियर? जिनके अंदर डिवाइडेशन की पावर जो है अब नहीं रही है या कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं वो अपनी डिवाइडेशन की, दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज. ओके, सो नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, फर्स्टली दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. क्लियर? सॉरी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. क्लियर? विच वर्क टूगेदर एज अ यूनिट टू परफॉर्म अ फंक्शन. ओके, अब इसमें हमने क्या किया है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, सॉरी, एग्जैक्टली दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है दे आर वर्किंग टूगेदर, एक साथ काम कर रही हैं और एक यूनिट की तरह काम कर रही हैं टू परफॉर्म अ फंक्शन, किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए. Got it the point? This is basically the normal definition of complex permanent tissues. Okay, and we have already discussed about the types of tissues, that are xylem and phloem. Okay, ये इसके two types हैं जो हमने already हमारे last जो हम बात करें last chapters में भी हम discuss कर चुके हैं. Again we are talking about two types of complex permanent tissue. First one is xylem and second one is phloem. Okay. They are commonly known as or working together they are known as conducting tissues. Okay, ये दोनों एक साथ जब हम इनको conclude कर लेते हैं तो they are known as conducting tissues because they are giving their performance in a conduction. Okay, whatever we are talking about the conduction of water as well as food or minerals. क्लियर? आप किसी के भी कंडक्शन की बात करते हो, वी आर टेकिंग द टर्म एज अ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड जाइलम और फ्लोएम. क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जाइलम. ओके, इट इज कंपोज ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल्स. अब फर्स्टली हमारे पास में इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने जैसे ही स्टार्ट किया टॉपिक को, वी विल राइट डाउन अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज xylem. This is composed of four type of cells. Before this this line we have to write the line that is important. This is important for the conduction of water as well as minerals. Clear? किसके लिए important है? Water और minerals के conduction के लिए important है. Clear? तो xylem के लिए हमने first, अगर आप इसको ये कहो कि ये इसकी definition है, no problem is there, तो आप इसको definition की form में use कर सकते हो. Clear? Now it is composed of four type of cells. Okay, don't be hesitate about this. आपको थोड़ा सा लगेगा, यहाँ पे देख करके आपको लगेगा कि पता नहीं मैम ने क्या क्या लिख दिया है पूरे बोर्ड पे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है. Actually I am trying to give you slightly short short points about the topic. यहाँ पे अगर हम normally tracheids का vessels का जो topic study करते हैं तो ये topic हमारा इतना lengthy हो जाता है कि exactly this is not possible to verify. ओके, हम इसको समराइज करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को समराइज करने के लिए आई एम गिविंग यू दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फर्स्ट टाइप? दैट इज, फर्स्ट वन इज ट्रेकीड्स, सेकंड टाइप इज वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स. ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस अबाउट द सब पार्ट्स ऑफ अ जाइलम. क्लियर? फर्स्ट वन इज ट्रेकीड्स. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. किससे बना हुआ है? सिंगल सेल से बना हुआ है. दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स इज फाउंड देयर. क्लियर? एंड्स आर टेपरिंग एंड ऑब्लिक. अब इसका मीनिंग आप कैसे समझोगे? जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. अब अपन क्या करते हैं, शॉर्ट सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ताकि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हम किस टाइप की सेल की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेकीड्स फर्स्ट पार्ट. ओके, इनका जो स्ट्रक्चर दिखता है,
ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है. ओके इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा और इसके बीच बीच में आपको इस तरीके से ये सेल जो सेप्टा वाला जो पोर्शन हम बात करते हैं ये आपको इस तरीके से शो होगा. दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकीज. ओके और जब हम नॉर्मली सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ये सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास वेसल्स वाला. तो वेसल्स का जो नॉर्मली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इट इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें आपको इस टाइप की ऐसी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. दीज आर वाइडर कंपेरेटिवली टू ट्रेकीड्स. ट्रेकीड्स के कंपेरिजन में ये कैसी होंगी, ब्रॉड होंगी, वाइडर होंगी. क्लियर. सो नाउ अगेन वी आर टेकिंग दिस पॉइंट. ट्रेकीड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स इज एग्जिस्टिंग देयर. यहाँ पे एक टाइप की सेल है. एंड्स आर टेपरिंग. अब आप देखो इसके जो सेल के एंड्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स. ये जो इनके एंड्स हैं ये टेपरिंग है. टेपरिंग का मतलब होता है कि ये एक तरीके से शार्पन एंड्स हैं. ओके ब्लंट नहीं है, शार्पन एंड्स हैं. एंड दीज आर ऑब्लिक सेक्शन, दैट मीन्स इनके बीच बीच में जो सेक्शन होंगे एक सेल के बाद जो दूसरा सेक्शन होगा वो इस तरीके से जैसे हम यूँ कहते हैं ना ऑब्लिक कट लगाते हैं उस तरीके के ऑब्लिक सेक्शंस में हमें ये मिलेगा. क्लियर. एंड वॉल्स आर इंटैक्ट. जो इनकी लास्ट वाली वॉल्स होंगी दैट मीन्स जैसे वन सेल का एंड अप हो गया और सेकेंड वाली सेल्स जो है उससे इंटरेक्ट कर रही है, उसके साथ में एड ऑन हो रही है, तो एंड वॉल्स आर इंटैक्ट दैट मीन्स वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगी. नैरोअर होंगी कैसी, उनके जो ल्यूमन होती है उनके बीच की जो सेल्स है, एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्यूब इन बिटवीन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बीच में जो ट्यूब है हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके दीज आर नैरोअर मोर थिकंड. ये कैसी होती है, थोड़ी थिक होंगी. ल्यूमन इज नैरोअर लेकिन उनके बीच का जो स्ट्रक्चर होगा जो उनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, नैरो होगा. क्लियर. Got it my point? These are the parts of tracheids. Exactly this is basic structure of tracheids. Got it the point? Okay. Now we are talking second sub part that is vessels. Okay. Large number of cells fuse together. बहुत सारी cells जो हैं एक साथ fuse हो जाती हैं. And which type of performance or which type of function? That means this is carried by the vessels. Different different type की cells जो मिलकर के एक साथ काम कर रही हैं. Ends are rounded, just like it. यहाँ हमने बोला था ends tapering होते हैं, यहाँ पे ends कैसे होते हैं, rounded ends होते हैं. Clear? Septa between adjacent cells get dissolved. अब हम क्या कह रहे हैं, इसी के अंदर अगर दूसरी सेल अटैच हो रही है, सपोज यहाँ से ये दूसरी सेल अटैच है, मे बी पॉसिबल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस, दिस इज सेकेंड सेल. ओके सो वी कांट फाइंड आउट द एग्जैक्टली एडजेसेंट पोजिशन. हमें यहाँ नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ से सेपरेट आउट हो रहा है. दैट मीन्स दीज सेप्टाज आर डिजोल्व टूगेदर. ये क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है और यहीं से जहाँ से सेकेंड वाली सेल अटैच हुई थी उसका सेप्टा डिजोल्व हो जाएगा. सो वी कैन नॉट फाइंड आउट वेयर इज द सेकेंड सेल मूव ऑन. क्लियर. तो हमें यहाँ पे ये वाला जो डिफरेंसिएशन है वी कांट फाइंड देयर. ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेरेटिवली वाइडर. ये किसके कंपेरेटिव, दैट मीन्स वी आर सेग्रीगेटिंग फ्रॉम फर्स्ट वन पॉइंट दैट इज ट्रेकीड्स. ओके जब आप इसको इसके साथ में कंपेरिजन करोगे सो दीज आर वाइडर इन स्ट्रक्चर वाइल वेसल्स आर सॉरी ट्रेकीड्स आर नैरोअर इन स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर के अंदर कैसी थी, नैरो थी. क्लियर. वॉल्स इज लेस थिकंड. लेस थिकंड दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग विद ट्रेकीड्स. ट्रेकीड्स के कंपेरिजन में जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लेस थिक होगी. क्लियर. ल्यूमन इज वाइड. इनकी जो ल्यूमन होगी कंपेरेटिव टू ये जो ट्रेकीड्स हैं इससे कैसी होती हैं, वाइडर होती हैं. क्लियर. तो हमें इन पॉइंट्स को एग्जैक्टली करना क्या है, वी विल मेक इजीली अ डिफरेंसिएशन पार्ट. सपोज मे बी पॉसिबल इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफाइन ट्रेकीड्स, हाउ कैन यू डिफाइन वेसल्स और हाउ कैन यू डिफरेंशिएटेड ट्रेकीड्स फ्रॉम वेसल्स, देन यू हैव टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. Got it my point? इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, इसकी पूरी एक समरी बना दी है. हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं. सो हाउ कैन वी सेग्रीगेट द पॉइंट्स लाइक दिस. ओके आई एम गिविंग यू आइडिया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट थर्ड वन नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा. इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज
स्टोर फूड मटेरियल, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का वर्क करेगा. एंड हेल्प्स इन द लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. लैटरल मीन्स ऑब्लिक साइड, दैट मीन्स साइड बाय साइड जो कंडक्शन है विच इज़ कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज जाइलम पैरेन्काइमा. गॉट इट. नेक्स्ट वन लास्ट पॉइंट इज जाइलम फाइबर्स. दीज जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स. ओके. If we are having the word or if we are writing this word that is sclerenchyma, that is got it the point already. That means we are talking about strength. कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी strongness की बात कर रहे हैं. और जहाँ भी sclerenchyma हम fiber use कर लेते हैं, word या sclerenchymatous tissues use कर लेते हैं, that means उसके अंदर hardness already मिल रही है. Clear? Because these are supportive in nature. Clear? कंडक्शन ऑफ वाटर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली अंडरस्टूड बाय द वर्ड दीज आर गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स अ आउटर फिटेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल. क्लियर. सो दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ जाइलम. क्लियर. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ जाइलम. ओके. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टॉपिक. दीज आर टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ जाइलम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ जाइलम. ओके. अब हमारे पास में कोई हमें ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट हमारे लिए कि हम किस तरीके से सेग्रीगेट करें. ओके. अब हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट बनाना रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स ऑफ जाइलम. बाय द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी विल इजिली राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ जाइलम. ओके. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर. क्लियर. ये फर्स्ट हमारे पास में पॉइंट आ गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कंडक्शन ऑफ वाटर. गॉट इट द पॉइंट. सेकंड पॉइंट हमारे पास में नॉर्मल आया कि यहाँ पे स्टोरेज का वर्क भी कर रहा है ये, तो हम इसमें स्टोरेज वर्क को भी ले सकते हैं. क्लियर. सेकंड हमारे पास में हो गया स्टोरेज. लेटरल कंडक्शन कर रहा है, ऑब्लिक कंडक्शन कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्शन कर रहा है, दैट इज डजंट मैटर किस तरीके का है, बट वी आर हैविंग द पॉइंट दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर. इट इज गिविंग द हेल्प इन टू कंडक्शन ऑफ वाटर इज सफिशियंट. ओके. डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट द पॉइंट्स. नेक्स्ट वन थर्ड इज स्टोर फूड एंड हेल्प द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ओके. गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ. क्लियर. ये हमारे पास में पॉइंट्स हो गए हैं इसके. तो यहाँ तक आते आते हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है. एग्जैक्टली वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जाइलम. जाइलम के अंदर हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है. जाइलम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारा इंट्रोडक्शन जितना भी हमने पहले पढ़ा है उसको आपको एक बार आइडेंटिफाई करते हुए आपको खुद डिस्क्राइब करना पड़ेगा. क्लियर. हाउ कैन यू डिस्क्राइब कंडक्टिंग टिश्यूज. तो उसमें देयर इज अंडरस्टूड कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ में हमें किसे डिफाइन करना है. ओके. इट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्किंग सिस्टम. जितने मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है यू हैव टू गिव द आंसर इन अ सेम रेस्पेक्ट. ओके. तो ये हमारा जाइलम वाला पार्ट कंप्लीट है. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सब पार्ट दैट इज फ्लोएम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड मटीरियल और सॉलिड पार्टिकल्स. Okay, so be ready for the next class. Again, we will talk about the next complex permanent tissues or type of complex permanent tissues. Okay, thank you.